सल्तनते उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मिस्टर मलिक, क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए मिस्टर मलिक। उस्मानियों के बाद अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनियों की वजह से मुसलमानों पर सबसे ज्यादा हुकूमत की है। उन मुसलमानों की मुश्किलात का अजाला करना हमारा फर्ज है। फहीम पाशा की हार का आगाज आज से ही होगा। तुम क्या करने वाले हो? उसके दो साथी जख्मी हैं, अस्पताल में है। खत्म कर दूंगा उन्हें। अगर मेरे जानेसारों को कुछ भी हुआ तो मेरे साथी आपको इनकी जगह मरीज बना देंगे और इन्हें मैं नहीं रोक पाऊंगा। आप दोनों को इस बात की सजा मिलकर ही रहेगी। मैं अभी जाकर वालिदा को सब बताती हूँ। आपकी वालिदा सब जानती हैं। अमेरिका के सदर मैकिनली ने तंजीम से गद्दारी की है, उसने हमारे राज अफशा किए। जो किसी और से मोहब्बत करते हो वो हमें खुश कैसे रखेंगे? सिर्फ आपकी वजह से आज हम धोखे में हैं। जनाब पारवुस। शहजादा सबाहद्दीन को आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। ये भी हमारे मिशन भाइयों में से है। मोहतरम पारवुस, महल के नीचे बने तहखाने में अगर हम मजीद ताखीर करते तो जान भी जा सकती थी। सात अरकान हक में है और दो खिलाफ है। अब्दुल हमीद को कत्ल किया जाए ये फैसला हो गया। पैसे से मोहब्बत करने वाले पसंद है मुझे। आप अपने अहलकारों को वहां से हटा देंगे, उन दो कातिलों को कत्ल कर दिया जाएगा और आपको आपकी रकम दे दी जाएगी। मंजूर है आपको? मंजूर है जनाब। बहुत खूब, अगर आप इसी तरह काम करते रहे तो जल्द पेरिस तक अपना रास्ता बना लेंगे। आफरीन, खुश रहिए। इससे आपको नींद आ जाएगी। नींद हमें आ जाती है, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। मेरे जाने सारो, लूका तैसो की अफ्यून की तिजारत हमने रोक दी है। पारवुस भी मर चुका है। क्या लगता है, हम जीत गए? ऐसा ही लगता है पाशा। लूका ने जैतून के तेल का काम शुरू किया है, वो उसे यूनान से दरामद करेगा। वो उनसे राब्ते में है, लगता है वो ताजिर बनना चाहता है। नहीं मेरे प्यारे उस्मान,
پائے تخت کے لوگوں کی زیتون کے تیل کی ضرورت ازمیر سے ہی پوری ہو جاتی ہے وہ کیوں درآمد کرے گا میرا مطلب کوئی آدمی ایسی چیز کیوں درآمد کرے گا جسے ہم برآمد کرتے ہیں وہ تیل کی آڑ میں افیون کی تجارت کرے گا پاشا بالکل صحیح کہا اگر وہ لے بھی آئے تو بیچے گا کیسے افیون کی تجارت کی سزا سب کو معلوم ہے کوئی یہ جسارت نہیں کر سکتا سلطان معظم نے دشمنوں سے تو نجات حاصل کر لی لیکن دشمن کی پھیلائی ہوئی بدنظمی پایا تخت سے ختم نہیں ہوئی ہے ہمیں اسی نظام کو ختم کرنا ہے اور پایا تخت میں امن و سکون لانا ہے لکھو عثمان پہلا کمار خانوں میں کوئی بھی بڑی رقم کا جوا نہیں کھیلے گا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا بہت خاص کوئی بھی شخص دوسرے شخص کو دھوکہ دہی یا دھمکانے کی کوشش نہیں کرے گا دوسرا کمار خانوں میں قواعد و ضوابط لازمی ہیں آدھی رات کے بعد تمام کمار خانے بند ہو جانے چاہیے کمار خانوں میں طلباء اور بچوں کا داخلہ سختی سے ممنوع ہوگا تیسرا کمار خانوں میں کسی بھی خاتون کو ان کی مرضی کے بغیر ملازمت پر نہیں رکھا جائے گا اور وہاں کام کرنے والی خواتین پر بری نظر ڈالنے والے کو سخت سزا دی جائے گی سب سے اہم بات وہاں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ کوئی بھی نازیبا سلوک نہیں کیا جائے گا یہ شرائط کون مانے گا پاشا بالکل صحیح کہا کزل ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ نہ مانے وہ اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں تمام کمار خانے بند ہو جائیں گے چوتھا افیون بیچنے والے اسے ریاست میں لانے والے اور اسے ریاست میں لانے کی اجازت دینے والے اسے استعمال کرنے والے یا جو کوئی بھی اس گھناؤنے کاروبار سے جڑا ہوا ہوگا ان سب کی سزا موت ہوگی پائے تخت کے قوانین توڑنے والے فتنہ پھیلانے والے اور ہمارے شہر میں ہنگامہ آرائی کرنے والے سب کو سخت سزا دی جائے گی چاہے پھر وہ ہتھیاروں کے تاجر ہوں لوگوں سے وصولی کرتے ہوں جال سازی کرتے ہوں یعنی جو کوئی بھی قانون توڑے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی ان قوانین پر عمل کر کے شہر کی ساری کالی بھیڑوں کو لگام ڈالی جا سکتی ہے پاشا اس کام کے لیے ریاست کے اہلکار پہلے ہی موجود ہیں ہم جانتے ہیں میر افندی لیکن میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اہلکاروں کی پیروی نہیں کرتے لیکن فہیم پاشا کی ضرور کریں گے شکریہ پاشا چمگوس یہ بات ہر جگہ پھیلا دو اور جو نہ سمجھے اسے اپنی زبان میں سمجھا دو کوئی جگہ باقی نہ بچے جو آپ کا حکم پاشا چلو عثمان اس وقت کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ پاشا ہمارے بھائی اس وقت ہسپتال میں ہیں ہمیں انہیں دیکھنا چاہیے اور ملنا چاہیے ان سے بہت اچھی بات ہے محمود پاشا کو میں اپنے درمیان دیکھنا چاہتا ہوں وہ ہماری تنظیم کے ہر فیصلے کو عبدالحمید تک پہنچا دیں گے مجھے محمود پاشا کی عبدالحمید کے ساتھ وفاداری کی ضرورت ہے جناب پاروس کیا آپ عبدالحمید کے سامنے بے نقاب ہونا چاہتے ہیں اگر میرے بابا کو پتا چل گیا کہ آپ زندہ ہیں تو پوری فوج کے ساتھ وہ یہاں آ جائیں گے جو میں نے کہا وہ کرو میں اگلی ملاقات میں انہیں اپنے درمیان دیکھنا چاہتا ہوں سلطان معظم انگریز اپنی کالونیوں سے مسلمان افسران کو ہٹا رہے ہیں اور مسلمان نوجوانوں کو سرکاری ملازمت کا حق نہیں دیتے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ اپنی بہترین زمینیں مسلمانوں کو فروخت نہیں کرتے اور شہر کے مرکز میں مسلمانوں کے مکانات پر قبضہ کر رہے ہیں سچ کہا آپ نے وہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں یہ ان کی گھٹیا سیاست ہے وہ اپنی درسگاہوں میں بھی مسلمان طلبا کو جگہ نہیں دیتے اور طرح طرح سے ان پر ذہنی دباؤ ڈالتے ہیں اپنا مذہب بدل لو اور خوش رہو لیکن مسلمان ان چالوں میں نہیں پھنستے اگر آج ایسا ہے تو کل کیسا ہوگا وہ مسلمانوں کو تعلیم یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مستقبل میں کامیاب لوگوں کی برابری نہ کر پائیں مسلمان سائنس اور الجبرا میں ترقی نہ کر پائیں یہی مقصد ہے ان کا بدقسمتی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلے سال میں 600 لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کیا
कोई हल निकालिए जनाब। हम लिवरपूल में एक इस्लामी जामिया कायम करेंगे, पेरिस और चीन में भी। फिलहाल इन तीन मकामात पर काम होगा। आप लिवरपूल में तामीरात के लिए काम शुरू करें। लिवरपूल एक बंदरगाह है, वहाँ हिंदुस्तानी और अफ्रीकी मुसलमान कसरत से आते जाते हैं। लिवरपूल में एक इस्लामी जामिया के कायम को देख कर उनकी उम्मीद बंधेगी और उनकी हौसला अफजाई होगी। खुदा से उनकी सेहत की दुआ है। कोई अच्छी खबर आई? हमारी दुआ उनके साथ है, उन्हें कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। लगता है आपकी आमद आपकी बहन के लिए खुशाइन साबित नहीं हुई। हमारी बहन कैसी हैं अब? मिस्टर मलिक ठीक हैं? शहजादे वो ठीक हैं, पर अभी तक होश नहीं आया, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है बहुत। शुक्र है अल्लाह का। बहुत शुक्रिया तबीबा, इजाजत दीजिए। जरूर। मुबारक हो शहजादे, वो जल्द से सेहतियाब हो जाएंगे अफसुन खातून। आपका शुक्रिया। अहलकार हिफाजत पर मामूर है। मेरा कोई ओहदा नहीं है उस्मान, तुम इन्हें अपने बारे में बताओ। अब मेरे पास कोई मनसब नहीं। मैयत आफंदी, आपके पास जो मनसब है किसी जिंदा के पास नहीं। वो चलो। मोहतरम बात सुनिए। फरमाइए। यहाँ हिफाजत के लिए अहलकार मौजूद थे, उन्हें हुक्म मिला तो चले गए यहाँ से। देखिए जनाब, आप अपने कमरे में जाएं और बाहर बताइएगा। इंशाल्लाह हमें देर नहीं हुई होगी। चलो उस्मान, तुम तैयार हो? तैयार हूं। क्या हुआ है मैयत अफंदी? तुम्हारी हिफाजत पर मामूर अहलकार हटा दिए गए हैं, अब यहां कोई महफूज नहीं। फरीदो ये रखो। आप क्या करेंगे बगैर हथियार के? मैं सबको देख लूंगा फरीदो, बस तुम होशियार रहो। उस्मान तुम जाओ और जाकर फहीम पाशा को इत्तला दो, ये एक चाल है। जो हुकुम। तुम दोनों होशियार रहना। क्या नाइमे सुल्तान अंदर है? वो बाहर नहीं आई पाशा, और कुछ खाया भी नहीं। ठीक है, आप जा सकती हैं, मैं देख लेता हूं। शहजादी, शहजादी आप ठीक हैं? आज से आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, बस कहिए कहिए आप ठीक हैं। सुल्ताना, ये खंजर छोड़िए। हम जीना नहीं चाहते, छोड़ दीजिए हमें। अगर किसी को मरना चाहिए तो वो मैं हूं। आप जिंदा रहेंगी।
मैं आपके हाथों मरने के लिए तैयार हूं। सजा मुझे मिलनी चाहिए। छोड़े हमें, छोड़े, चले जाइए। कैसे कैसे चला जाऊं आपको इस हालत में छोड़कर? क्यों, आपको लगता है हम अपनी जान ले लेंगे? आपको दुख होगा? जान तो ले ही चुके हैं आप हमारे, आप और खदीजा दोनों ने हमारे पीठ में छुरा घोपा है, आप दोनों ने धोखा दिया है। मैं आपके सामने अपना दुख भी बयान नहीं कर सकता। हम आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। चले जाएं यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाएं, चले जाएं, चले जाएं। ये क्या हो रहा है? तो ये तुम हो सबहत्तीन? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा स्नेहा आ गई और मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। हाँ तो ये कौन सा वक्त है खाने का बाबा? क्या करूं बेटा, भूख ने सताया हुआ था, नींद ही नहीं आ रही थी। इस वक्त तुम कहां से आ गए? बाबा जान, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। क्या बात है सबहत्तीन? करसू ने एक मेसन तंजीम का कयाम किया है। यानी पारवुस मर गया तो तुम उस कारसू की पैरवी करने में लग गए? उसने आपको मधु किया है। सबहत्तीन तुम जाकर सो जाओ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। बाबा जान, पूरी दुनिया की ताकत हमारी मुट्ठी में होगी। सबहत्तीन कहीं तुम भी मेसन के रुकन तो नहीं बन गए? जी हाँ, इख्तियारात, दौलत, ताकत, उनके पास सब कुछ है बाबा। दुनिया में कोई सियासतदान नहीं बचा जो इस तंजीम का हिस्सा ना हो। तुम सच कह रहे हो? तब तो फिर मुझे भी मैसन का रुकन होना चाहिए। तो फिर मैं जाकर आपका इंदराज करवा दूं? दफा हो जाओ यहां से, वरना तुम्हारी अच्छी तरह पिटाई कर दूंगा। अहमक बाबा, मेरी बात सुने, आप एक इजलास में शिरकत करें, उसके बाद फैसला आपका। आजमाइशी रुकनियत है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। फिर आजमाने में हर्ज नहीं? ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। खैरियत तो है? आपको हमने मुलाजमत देते वक्त ये तो सोचा ही नहीं कि एक खातून के साथ हम बिल्कुल तन्हा होंगे। क्या सबको डराने वाला फहीम पाशा एक औरत से डर रहा है? मैं सिर्फ अपने अल्लाह से डरता हूँ, और हाँ, एक खूबसूरत मुस्कुराहट से भी। जब आप अपने आदमियों को कवानीन बता रहे थे, उस वक्त मैंने एक निडर पाशा देखा था आप में। ओ अच्छा, पहली बात, आप छुपकर हमारी बातें नहीं सुन सकती। दूसरी बात, आपको अपने लिबास पर खास तवज्जो देनी है। तीसरी बात, अगर इस घर में कोई मर्द अकेला है तो आप उसकी खिदमत नहीं करेंगी। चौथी बात, एक और खातून रखें जो कि बावर्ची खाने को संभाले, वो आपकी मदद के साथ साथ आपकी तन्हाई को भी दूर करेगी। पांच, मुस्कुराने पर भी पाबंदी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाशा, हम अस्पताल गए थे, अहलकारों को हटा दिया गया है, अस्पताल गैर महफूज है। पांचवी, हथियारों की आदत डाल लें, सबको खबर कर उस्मान।
ये सब हमारी गलती है। हमने आपकी शादी शहजादे से करवाई। हमारा मकसद आपको खुशियां देना था, मगर अब लगता है गलती हो गई हमसे। हमें माफ कर दे हमारी बहन। ऐसी बात नहीं है, हमारी जान। अब्दुल कादर से शादी हमारी भी ख्वाहिश थी। आप कैसी हैं? ठीक है ना? ठीक हूँ, आप फिक्र न करें। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे रब। अब्दुल कादिर, आप होश के नाखून कब लेंगे? आप पर पहले ही क्या कम इल्जामात हैं? आपके बाबा मौत के मुंह से वापस आए हैं। क्या आप अब भी महल से छुपकर जुआ खाने जाते हैं? ये जुए खाने नहीं गए। अब्दुल कादिर पर खफा मत हूं आप, इन्होंने सारी रात मस्जिद में इबादत में गुजारी है। आपको कैसे मालूम हुआ? हमारे आदमी आपके पीछे थे। किस हक से? आप हमारा पीछा क्यों करवा रहे हैं? बाबा से आपका ख्याल रखने का वादा किया है, उन्हें यकीन दिलाया था कि आप पर नजर रखूंगा। आप जानते हैं मैं अपने उसूल का पक्का हूं। अब्दुल कादिर, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आप मस्जिद में थे और वहां छुपकर जाने की क्या जरूरत थी? बाबा की बीमारी और मुश्किल टल जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए गए थे हम। आपके बाबा ये सुनकर बहुत खुश होंगे, आपने बताया क्यों नहीं? हम नहीं चाहते कि वो जाने। उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए नहीं किया हमने ये। वालिदा, आप भी उन्हें नहीं बताएंगी? वो आपकी गलतियों से गमगीन थे, अब अपनी नेकियों से भी उनका दिल खुश करें। इसकी जरूरत नहीं, हम ऐसे ठीक है। आप दोनों से गुजारिश है, तन्हा छोड़ दीजिए हमें। अल्लाह कबूल फरमाए। उन दोनों की तस्वीर तुम्हें दे दी गई है। जल्दी चलो मेरे जाबाजों।
मेरे जाबाजों की हिफाजत फरमा। क्या बात है, शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का, करम है उसका। मेरे जाबाजो, यहां नहीं रहोगे तुम लोग, मेरे साथ घर चलोगे। मेरे सुल्तान, एक बहुत ही अहम खबर है। क्या हुआ पाशा? अंग्रेजों ने कुलीम अब्दुल्ला अफंदी के साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, मस्जिद को बंद कर दिया और मदारिस पर छापे मारे। न सिर्फ हुजूम ने मस्जिद को शहीद किया बल्कि उसके मौजिन को भी कत्ल कर दिया। सुल्तान मौजम, उन्हें ऐसा करने का हक किसने दिया है आखिर? कुछ मदारिस से हथियार बरामद हुए हैं। अब्दुल्ला अफंदी के साथियों के पास हथियार किस मकसद के लिए थे? इस तरह वो मुसलमानों को दहशतगर्द करार देंगे पाशा। अब्दुल्ला अफंदी को बुलवाइए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। बाबा राजी हो गए हैं, लेकिन मुझे डर है कि वो जाकर सब कुछ सुल्तान को बता देंगे। महमूद पाशा अपने फर्ज की अदायगी करेंगे। उनके सामने हम सिर्फ वही बातें करेंगे जो अब्दुल हमीद तक हमें पहुंचानी है। आप उन्हें खबर रसा मराना चाहते हैं? हाँ, हम महमूद पाशा के जरिए अब्दुल हमीद तक गलत खबरें पहुंचाएंगे। वो जिस मजलिस में शामिल होंगे, दरअसल वो एक तमाशा होगी। अब्दुल हमीद खुश होगा कि उसका एक आदमी यहां मौजूद है, और महमूद पाशा उसका मुखबर बन के बहुत खुश होगा। बरतानवी सफीर से कहो कि वो महल जाए और कुलीम अब्दुल्लाह की हवालगी का मुतालबा करे। ये खबरें रियासत के लिए नुकसानदेह हैं आफंदी। मेरे सुल्तान, हमारे भाई तो चोटी तक को तकलीफ नहीं दे सकते, फिर कैसा असलाह? ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत बड़ी चाल है ये अब्दुल्ला अफंदी, बहुत बड़ा मंसूबा। क्योंकि हम जामिया कायम करना चाहते हैं, अपने मुसलमान भाइयों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, तो वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके जरिए वो इस्लाम को बदनाम कर सकें। तो अब क्या होगा मेरे सुल्तान? अब वो अखबारात में शाया करवाएंगे कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। वो जरूर हथियारों से लैस कुछ अफराद की तस्वीर भी शाया करेंगे। मगरिब बरसों से तुर्कों को वैशी कहता रहा है और अपने बच्चों को भी यही बताया है। अल्लाह का अजाब ऐसे बदबख्तों पर जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं। अब्दुल्ला अफंदी, फिलहाल आप महल से बाहर मत जाइएगा, अब वो आपका मुतालिबा करेंगे हमसे। मेरे सुल्तान, मसला अगर मेरी वजह से उठा है तो फिर आप मुझे लिवरपूल जाने की इजाजत दें। उनका मसला आप नहीं है अब्दुल्ला अफंदी, उनका असल मसला इस्लाम है। नाइमे, दरवाजा खोलिए बेटी, हमें आपसे बात करनी है बेटी। सुल्ताना माफ कीजिएगा, नाइमे सुल्तान किसी से भी मिलना नहीं चाहती हैं। सुल्ताना, मैंने नाइमे सुल्तान की तमाम कनीजों को खबरदार कर दिया है और उन्हें तनहा ना छोड़ने की तंबीह भी कर दी है। मैं खुद भी यही हूं। आप यहां से जा सकती हैं। हमारी प्यारी बेटी, आपकी नाराजगी हक बजानिब है, आप दुरुस्त हैं। हमें आपको पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था नाइमे, लेकिन जब हमने ये सोचा कि सच्चाई जानने के बाद आपको कितना दुख होगा, तो
हम ऐसा ना कर सके। शायद अगर हमें पता होता कि ये ताल्लुक अब तक चल रहा है तो हम आपको बता देते। यकीन कीजिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उन दोनों की गलती की वजह से आपका मुस्तकबिल तारीख हो जाए। हमने जो कुछ भी किया उसका मकसद सिर्फ आपकी खुशी थी। इंशाल्लाह एक दिन आप खुद भी मां बनेंगी, उस दिन आप हमें समझेंगी। आप समझ जाएंगी कि एक मां अपनी औलाद की खुशी के लिए क्या क्या कुर्बानियां नहीं देती है। नाइमे शहजादी, हमारी खूबसूरत बेटी, आप आराम कीजिए, हम बाद में आते हैं। आप ठीक हैं? हम ठीक हैं शहजादे, अल्लाह का शुक्र है। हम एक बात समझ नहीं पाए, आप हमारे पीछे क्यों आई थी? आप तहखाने में क्यों गई? आप अपनी जर्सी भूल गए थे, हमने सोचा आप ठंड से कहीं बीमार ना हो जाएं, इसीलिए आ गए, लेकिन हम खो गए। देखिए मिस्टर मलिक, आप अपनी फिक्र कीजिए, हमारी नहीं। मुझे लगता है कि हमारी खादमा पहले दिन से ही सुस्त पड़ गई हैं। वो चली गई है पाशा। कहाँ चली गई हैं? जब मैं रात को घर आया तो वो नहीं थी। सुबह उठकर मैंने उसके कमरे में देखा तो वो जा चुकी थी। वो हमारे घर के लिए नहीं थी पाशा। मुझे तो लगता है कि हमारा घर किसी औरत को राजी नहीं आता। मैंने तुमसे कुछ पूछा किसिल? बताओ, कुछ पूछा मैंने? नहीं पाशा। तो ठीक है फिर, जब तक फरीदो सेहतयाब नहीं हो जाता घर के कामकाज तुम करोगे। जब कोई तूफान की तरह आता है तो वो इस तरह खामोशी से नहीं जाता। खबर मिली है कुलियम साहब आपके महल में, बरतानवी हुकूमत उन्हें ढूंढ रही है। उनकी मसाजिद से असलहा बरामद हुआ है। ये सरासर इफ्तरा है। तुम्हें शायद याद नहीं ये बात, क्योंकि तुम उस वक्त एक आम अफसर की हैसियत से काम कर रहे थे। हमारे दौरे हुकूमत के अवाइल में चंद लोगों के एक गिरोह ने बगावत करने की कोशिश की। उनके साथ एक इमाम भी था, हम उसे पकड़ नहीं सके। बाद में इल्म हुआ कि वो शख्स तो लंदन में है। बाद में मालूम हुआ कि जिसे हम इमाम समझ रहे थे वो एक ईसाई पादरी था। तुम्हारी हुकूमत ने हमारे हवाले नहीं किया उसे। उसका नाम क्या था? क्रिस फॉक्स। मुझे याद है, उसे कलीसा में कत्ल कर दिया गया था। अच्छा, ऐसा हुआ था? जी हाँ, लेकिन उसका हमारे मामले से क्या ताल्लुक? क्रिस फॉक्स की वो जमात हकीकी थी। वो रंगे हाथों पकड़े गए थे, खुली बगावत की कोशिश की थी उन्होंने। उनके साथियों ने भी इल्जाम का एतराफ किया था। क्रिस फॉक्स के बारे में उन लोगों ने बताया कि वो आदमी अजीज के नाम से काम कर रहा था, लेकिन कोयले माफंदी के तमाम साथी भलाई फैलाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो बरतानिया की जानिब से सरकारी मुलाजमतों की पेशकश को भी कबूल नहीं किया। वो बस अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। कोयले माफंदी हमारे दोस्त हैं और हम अपने दोस्त को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए पप्पी जान, हमने आपको बहुत याद किया। मुंतकिल होने के बाद आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। अच्छा लगा आप आई। हमें भी बहुत याद आई आपकी खदीजा, लेकिन हमारे यहाँ आने की वजह कुछ और है। क्या वजह है? उम्मीद है सब खैरियत होगी इंशाल्लाह। हम खाइफ हो रहे हैं पप्पी जान, किसी को कुछ हुआ है क्या? खदीजा, नाइमे कमालुद्दीन और आपके बारे में सब कुछ जान गई है। या मेरे अल्लाह, उन्हें कैसे इल्म हुआ? हमें नहीं मालूम, उन्हें एक एतराफी खत मिला जो कमालुद्दीन ने बहुत पहले उनके नाम लिखा था। अब उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। पहले तो काफी बरहम हुई थी, उसके बाद ये रवैया अख्तियार किया। वो हमसे बहुत खफा होंगी। आपको लगता है वो सिर्फ आपसे खफा है? वो किसी की शक्ल नहीं देखना चाहती खदीजा। बिदार खातून और हमसे भी नाराज है क्योंकि हमने हकीकत छुपाई उनसे। उनसे खुद जाकर बात करेंगे हम। हमें नहीं लगता कि वो आपसे बात करना चाहेंगे, बल्कि इसके बरक्स आपकी दिल शिकनी करेंगे। नाइमी को जाकर हम सब समझा देंगे। बर्तानिया ने कुलीम अब्दुल्ला के आदमियों को पकड़ लिया है, उनके मदारिस और मस्जिद पे छापे मारे और मौज़दिन को कत्ल कर दिया। अब्दुल हमीद कुलीम अब्दुल्ला को बचा रहा है। हम जो चाहते थे वो ना हो सका। नहीं, अब्दुल हमीद ने वो कर दिखाया जो हम चाहते थे। तो फिर हमारा अगला मंसूबा क्या है? अब्दुल हमीद के लंदन के साथ साथ अमेरिका के मुसलमानों से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और हम ये इंकशाफ करेंगे। अमरीकी मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि वो उन इलाकों में भी शरीयत के मुताबिक चलते हैं, इसीलिए वो लोग मुसलमानों को पसंद नहीं करते। अब्दुल हमीद उन तमाम ममालिक और रियासतों के लिए खतरा है जहां मुसलमान बसते हैं। यानी अब उनके पास अब्दुल हमीद के कत्ल के लिए रजामंदी देने की बड़ी वजह है। अब्दुल हमीद की मौत का हुक्म लेने के लिए हमें कोई बड़ा कारनामा करना होगा। हम अमरीकी सदर मैकिनले की मौत का हुक्म देंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ये हुक्म देने की ताकत है। मैकिनले ने हमारे मैसन भाइयों को धोखा दिया है। अमरीका में एक रूसी कातिलों का ग्रोह हमारी तंजीम से कत्ल के हुक्म का इंतजार कर रहा है, और हमारे पास अब वो ताकत है कि अगर हम अब्दुल हमीद को कत्ल करना चाहें तो हमें बस हुक्म देना है। मेरे साथियों, मैकिनले की मौत के लिए आपकी राय शुमारी दरकार है। आप लोगों ने बिल्कुल सही फैसला किया है। हमारा खुदा इस काम में हमारी मदद करे। अब इस फैसले के साथ हम अब्दुल हमीद को तबाह करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। ये सब इन पाशा हजरात की वजह से है। हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि इन्हीं की कोशिशों और मदद की बदौलत हम अब्दुल हमीद की गर्दन तक पहुंचेंगे। सदर विलियम मैकिनले को एक रूसी इनकलाबी ने कत्ल कर दिया। नायब सदर थियोडोर रूज़वेल्ट अब अमेरिका के नए सदर हैं। अमेरिका के सदर को कत्ल कर दिया गया है, क्या आपने सुना पाशा हजरत? बदकिस्मती से जी हाँ मेरे सुल्तान। आपका क्या मतलब है पाशा? तौफीक पाशा, मैकिनले के कत्ल के पीछे जरूर मजबूत मनसूबाबंदी की गई होगी। किसी भी रियासत का सरबराह मनसूबाबंदी के बगैर कत्ल नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर का कत्ल जाहिर करता है कि
हम कत्ल और गारत गरी के दौर में दाखिल हो चुके हैं और यह भी इशारा है कि सरबराहान को कत्ल करने के लिए कोई गिरोह सरगर्म हो चुका है। आज से 5 साल कबल ईरान के शाह नासिरुद्दीन को कत्ल किया गया था। हम एक नई सदी में दाखिल हो रहे हैं, इसलिए हम सबको और भी मोहतात होना पड़ेगा। दुश्मन कभी भी किसी पर भी कहीं भी हमला कर सकता है। मेरे सुल्तान, लीवरपूल में हुए वाकयात उस पर असरअंदाज हुए। अंग्रेज उनकी कॉलोनियों में मौजूद मुसलमानों से हमारे रवाबित और खिलाफत की ताकत से हमेशा खौफजदा रहा है, लेकिन कुलेम अफंदी के साथ ही बगैर हथियारों के उनकी रियासत में इस्लाम की रोशनी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। हत्ता कि उन्होंने मुलाजमतों की हुकूमती पेशकश को भी कबूल नहीं किया। चूंकि वो सब बेकसूर थे, इसलिए उन्होंने वहां से फरार होने की भी कोशिश नहीं की। अब हमारे लिए क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? आप हजरात अमरीकी सदर के कत्ल की वजूहात मालूम करने की कोशिश करें। जा सकते हैं आप सब। मेरे सुल्तान, मुआफी चाहता हूं, लेकिन मुझे आपको एक अहम बात बतानी है। ठीक है, तो फिर आप रुकिए महमूद पाशा। किस मुंह से यहां आई है? अब क्या बाकी रह गया है? कुछ बताना चाहते हैं हम आपको। ये सब बताने के लिए आपके पास काफी वक्त था। जब हमने आपको कमालुद्दीन के बारे में बताया था, जब हमारी मंगनी हुई थी और तब जब हमारी शादी की तैयारियां हो रही थी, आप हमें सब कुछ बता सकती थी, तब हम आपकी बात को समझ भी जाते। आप यकीनन मुगालते का शिकार हैं कमालुद्दीन। कमालुद्दीन हमेशा आपके साथ मुखलिस रहे। उन्होंने हमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। आपने भी हमसे कभी मोहब्बत नहीं की। ये दुरुस्त नहीं है। चुप हो जाइए, झूठ मत बोले। अब भी आप हमसे झूठ पर झूठ बोल रही हैं। आपका मानदार जलाल से नहीं बल्कि कमालुद्दीन से इश्क करती थी। हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया खदीजा? हमेशा आपके हर मुश्किल वक्त में हम आपका साथ देते रहे। नाहिमे, आपका हर हर्फ सच है। हम आपसे भीख मांगते हैं नाहिमे, हमें माफ कर दीजिए। आपने जो कुछ कहा वो सब सच है। मेरे पास आप दोनों के लिए कुछ भी नहीं है और मैं आप दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी। नाहिमे, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। नाहिमे, चली जाइए। नाहिमे, खुदा के लिए। मैं कहती हूँ जाइए, चली जाइए। दोबारा अपनी सूरत नहीं दिखाइएगा। चली जाए। नाहिमे, गलत है क्या? आप अपनी गलती की कीमत नाइमे की आंखों में देख कर आ रही हैं खदीजा खातून। लूका वहां मौजूद सामान पर काबिज नहीं हुआ, हिफाजती निजाम पर काबिज हुआ है। लिवरपूल के मुसलमान इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने बरतानवी दबाव के खिलाफ हड़ताल की है। बरतानवी खुद फैसला करेंगे कि वो अब्दुल हमीद की खिलाफत की ताकत का कैसे मुकाबला करेंगे। अब मैकिनले के कत्ल के बाद उनका मंसूबा हमें भी अपने रास्ते से हटाने का है पाशा।